ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम डिजिटल भारत वित्तीय समावेशन। तकनीक कहने को तो ये चार अक्षर है, लेकिन आज के समय में किसी भी देश के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज विज्ञान और तकनीक के कारण मनुष्य का जीवन सुलभ और सरल बन गया है। समय की इस मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की। उनका मानना था तकनीक के माध्यम से ही देश का सामूहिक विकास किया जा सकता है। आरंभ से ही श्री मोदी को कंप्यूटर के प्रति रुचि और नई नई चीजों को जानने और समझने की ललक थी। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के कुछ साल बाद ही 2003 में नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्वागत की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत तालुका स्तर पर की, उसके बाद इसे गांव स्तर तक ले गए। श्री मोदी की इस नई सोच की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने गांव में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए जोर शोर से काम किया और इसी का नतीजा था कि 2010 में गुजरात देश का एकमात्र राज्य बन गया जिसने सभी 13,695 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिमांशु ने बताया कि गांव में इंटरनेट की सुविधा होने से हर क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू खास करके ग्रामीण सेक्टर में जो काम हुआ, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से पंचायतों को जोड़ा गया, पंचायतों में ई ग्राम सेंटर शुरू हुए और डिजिटल इंडिया मूवमेंट वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव में बहुत बड़ी अहम भूमिका प्रधानमंत्री जी की भी रही है और देश की सरकार की भी रही है। भारत की लगभग 2/3 आबादी गांव में निवास करती है और आजादी के कई वर्षों के बाद भी करोड़ों भारतीय बैंकिंग सेवाओं के लाभ से वंचित थे। ऐसे में भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। 2014 में देश की बागडोर संभालते ही नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण और शहरों के गरीब लोगों को इसके दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जनधन योजना की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि अब तक देश में करीब 43 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुल चुके हैं जिनमें करीब 1,45,000 करोड़ रुपये जमा है। इनमें से 50% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। जनधन खातों को सबसे पहले आधार और मोबाइल से जोड़ा गया ताकि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का 100% पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सके। बिहार की आशा देवी ने बताया कि जनधन खाता खुलने से अब वो अपना पैसा बैंक में जमा करती हैं। पहले मेरा बैंक में खाता नहीं था, जनधन योजना के सहयोग से मेरा खाता खुला है। कुछ पैसा अपना भी रखते हैं तो सरकार का तरफ से भी मदद हेल्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली स्नेहलता ने बताया कि जनधन खाता खुलने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। जनधन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई उससे हमें बड़ा फायदा हुआ। पहले हम अपना धन घर पर रखते थे, जमा करने लगे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और इससे लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस डिजिटल क्रांति ने न केवल समाज के कामकाज के तौर तरीकों को बदला है, बल्कि देश के साधन संपन्न लोगों और वंचितों के बीच की खाई को पाट दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत एक साधारण व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का विजन जो किया, उस विजन में एक साधारण परिवार को सेंटर में रख के उसके इर्द गिर्द सोचना कि कैसे साधारण परिवार के जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन आए, कैसे अच्छी से अच्छी डिजिटल फैसिलिटीज मिले, अच्छी ब्रॉडबैंड मिले, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। डिजिटल क्रांति के कारण आज के समय में हर काम डिजिटल हो गया है और लोगों का जीवन आसान हो गया है। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकता है। पहले लोगों को बड़े अस्पतालों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दिखाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, जिसके कारण समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। डिजिटल इंडिया के कारण अब कोई भी व्यक्ति एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आसानी से डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकता है। दिल्ली के रहने वाले संतोष बताते हैं कि कैसे वो अब घर पर बैठे बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। ऑनलाइन सुविधा हमें मिल गई है एम्स के लिए, अब हमें लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप घर में ही बैठ के अपने फोन से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली आयुषी शिमाली का कहना है कि डिजिटल लेनदेन के कारण अब उन्हें किसी काम के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। अब मैं सिर्फ एक टैप से अपने फोन से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एनी ऐप, हम लोग कोई भी ऐप यूज करके तुरंत बिजली का बिल पे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब डाकिया केवल डाक लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ चलता फिरता बैंक भी लेकर आता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कारण देश भर में गांव-गांव तक बैंकों का जाल बिछ गया है। लोगों के दरवाजे तक बैंकों की पहुंच हो जाने से अब गांव के लोगों को आसानी से लोन मिल रहा है और उन्हें साहूकार से छुटकारा मिल गया है। कोरोना महामारी ने जब भारत में दस्तक दी तो चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया था, लेकिन हम भारतवासी खुशकिस्मत थे क्योंकि हमारा भारत डिजिटल हो चुका था, जिसके कारण इन कठिन परिस्थितियों में भी हम रुके नहीं और आगे ही बढ़ते गए। इस महामारी के कारण ज्यादातर सरकारी कर्मचारी दफ्तर नहीं जा पा रहे थे और घर से ही काम कर रहे थे। इतने कठिन हालात में भी न लाभार्थियों का लाभ रुका और न बच्चों की पढ़ाई लिखाई। एक तरफ जहां आरोग्य सेतु ऐप हमारे लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई और भीम जैसे ऐप के माध्यम से हम अपने रोजमर्रा के काम बहुत ही आसानी से घर बैठे कर रहे थे। देश भर में इस वर्ष अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 6,39,000 करोड़ रुपए से अधिक का डिजिटल लेनदेन हुआ। दिल्ली की रहने वाली एक घरेलू महिला बिंदु का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन के कारण उन्हें काफी मदद मिली। कोरोना काल में हम लोग के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो गया। इसके लिए हम घर से ही ऑर्डर कर देते थे और घर पर सामान आ जाता था। कोरोना महामारी के दौरान कोविन पोर्टल भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से लोगों को टीकाकरण केंद्र की जानकारी के साथ साथ टीके की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से सभी लोग टीके का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर रहे हैं। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए kovin.gov.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर डालें और गेट ओटीपी को क्लिक करें। एसएमएस से आए ओटीपी को यहां डालकर वेरीफाई करें। इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आप अपना नाम, लिंग, आयु और अपनी पहचान के लिए जैसे आधार कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र जिसे आप अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएंगे उसका विवरण यहाँ भर दें। और हाँ, अपनी जन्म तिथि और यदि आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई कोमॉर्बिडिटी बीमारियों की लिस्ट में से कोई बीमारी है तो इसकी सही सही जानकारी दें और वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र साथ लेकर ही सेंटर पर जाएं। इस कोविन पोर्टल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज 50 से ज्यादा देश इस पोर्टल की मांग कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन होने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है और कालाबाजारी कम हो रही है। सरकार अब लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पैसे भेज रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण पिछले 6 से 7 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में 17 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डिजी लॉकर के माध्यम से अब लोगों के दस्तावेज सुरक्षित हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं 12वीं कॉलेज यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। डिजिटल लेन देन किसानों के जीवन में भी अभूतपूर्व बदलाव लेकर आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। बिहार के सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि पीएम किसान योजना किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2,000 के मन आता है किसान वाला पैसा, वो लाभ है। पीएम किसान योजना से साल में 3 बार मिलता है और किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में जानकारी के अभाव में लोग भ्रष्टाचार के ज्यादा शिकार होते थे। तकनीक आधारित डिजिटल लेन देन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा गांव में इंटरनेट की कम उपलब्धता थी। प्रधानमंत्री का मानना था कि जब तक गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तब तक उनका जीवन आसान नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना था। शुरुआत में केंद्र सरकार ने भारत नेट के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की पहल की ताकि आम आदमी सरकार के साथ सीधे जुड़ सके। राजस्थान के जालौर की रहने वाली जमुनी देवी इससे मिल रहे फायदे को कुछ ऐसे बयां करती हैं। गांव को फायदा तो सा हो रहा है, ये जो जाति के ये आय के प्रमाण पत्र टाइम टू टाइम बन जाते हैं, यहीं पे पहले बाहर जाना पड़ता था तो अब यहीं पे बन जाते हैं, ज्यादा गरज नहीं करनी पड़ती है, धक्का वक्का नहीं खाना पड़ता है और 10वीं और 12वीं के बच्चों के रिजल्ट भी टाइम टू टाइम मिल गए। और ये जो बुजुर्गों की इन, विधवा की इन, ये बेरोजगारों की इन, ये जो पेंशन भी आ जाती है, सवेरे होते ही लाइन वाइन लग जाती है, तो फायदा तो सा हो रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत लगभग देश भर में 4 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। गांव में अब रोजमर्रा के छोटे बड़े काम जैसे आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, ऑनलाइन रेल टिकट बुक करना, जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना, अब इन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की इस मुहिम के कारण भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय समावेशन के अपने वृहद लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। सूचना के इस हाईवे पर डिजिटल इंडिया देश की तरक्की को नई रफ्तार दे रहा है और साथ ही समाज के हर तबके और हर वर्ग को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अब पढ़ाई होगी डिजिटल, अब बिजनेस होगा डिजिटल, स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल, सरकारी सुविधा डिजिटल, क्योंकि इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल, अब इंडिया हो रहा डिजिटल। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत
विशेष कार्यक्रम डिजिटल भारत वित्तीय समावेशन।